स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.1 करने वाले हैं, सेक्शन 1 का 1.1, जिसका नाम है बीइंग नेबरली। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। देखो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं स्टेटमेंट, उसको आपको मार्क करना है, टिक करना है, ठीक है। पहले क्या, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, मतलब आप अच्छे से दोस्ती कर लेते हो, अच्छे से आपके दोस्त बन जाते हैं बहुत आसानी से, तो अगर येस तो टिक कर दो इसके सामने। आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माई फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। क्या है कि मैं मेरी भी ये विश है, मेरी ये चाहत है कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर पाऊँ, लेकिन उससे मेरी दोस्ती रिजेक्ट हो गई, मतलब नहीं हो पाई आप बोल सकते हो। तो अगर येस तो टिक करो, नहीं तो क्रॉस करो। Someone has extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it. क्या बोले, किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर येस तो टिक करो, नहीं तो क्रॉस कर दो। आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट नो बेस्ट बडी। क्या बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन कोई भी मेरा बेस्ट बडी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो अगर येस तो टिक करो, नहीं तो रॉन्ग करो, जैसा भी है। अगर आपका कोई बेस्ट बडी नहीं है ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो येस बोलो, अगर है तो क्रॉस कर दो। आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव नो विश टू इंटरेक्ट विद एनीवन एल्स। क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, बहुत ही करीबी दोस्त है लेकिन छोटा ग्रुप है, और मेरा अब ये मन जरा भी नहीं कि मैं किसी और के साथ इंटरेक्ट करूँ, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करूँ। तो येस तो टिक कर दो, ओके। आई हैव अ स्मॉल ग्रुप, सिक्स क्या है, देखो, आई हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल बट आई कैन नॉट कनेक्ट विथ एनीवन। क्या बोल रहे हैं कि मेरी दोस्ती हर किसी से है लेकिन मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, जुड़ नहीं पाता हूँ। तो येस तो टिक करो, अगर नहीं तो रॉन्ग कर दो स्टेटमेंट के सामने। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पर, अभी अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। यहाँ पे जो वेब डायग्राम दिए गए आपको कंप्लीट करना है। तो देखो ये किस तरीके से आपको लिखना है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको लिखना है, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके। अभी चलो आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे सेकंड में क्या दिए गए, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको इफ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल, मतलब क्या बोल रहे, अगर आप किसी को उदास देख रहे हो और अकेला देख रहे हो तो आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको जो लिखना है एबीसी में वो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से, ओके। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले पेज पे आपको क्या दिया गया है, अगले पेज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम जो मार्जिन क्वेश्चन है हमारा वो करते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है क्या, मार्जिन क्वेश्चन, हाँ देखो पहला यहाँ पर है क्या आपको, जो डजंट वॉन्ट टू बी अ पुसी कैट बिकॉज। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखोगे, देखो ये आपका आंसर रहेगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, अगले पेज पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जिन क्वेश्चन दिया गया है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सप्लेन दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन। तो इसका जो देखो जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। तो आप इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम चलते हैं अगले पेज पर। अब देखो अगले पेज पर आपको मार्जिन क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले पेज पर आपको डायरेक्ट यहां पर मार्जिन क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर, क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस अ लिटिल जेंटलमैन मींस। तो यहां पे जो आपको लिखना है वो ये आप लिख सकते हो, ओके, ठीक है। तो देखो अभी आपको यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स यू गिव रिसीव टू फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में जो आपको लिखना है वो ये रहेगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ओके। तो ये आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखो आपका अगला मार्जिन क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोले, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, हंगर इज रिलेटेड टू फूड, लॉरी इज हंग्री फॉर। यहाँ पे जो आपको लिखना है वो ये रहेगा, ओके। अभी देखो आगे क्या है, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन द लाइव्स ऑफ जो एंड लॉरी इन अ फ्यू लाइन्स। तो इसमें जो आपको लिखना है वो ये रहेगा, ये आप लिख सकते हो कंप्लीट आंसर,
अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, लॉरी हैज ही डजंट हैव, तो क्या उसके पास है क्या नहीं है वो आपको लिखना है। तो देखो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अभी देखो और भी आपके कई मार्जिन क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये पेज पे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लॉरीज वर्ड ऑन जो, तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका कंप्लीट आंसर है। अभी देखो आगे आपको क्या है, टू वेट ऑन, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, तो इसका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। अब देखो आगे क्या है, फाइंड आउट वॉट गुड ब्रीडिंग मीन्स, तो इसका कंप्लीट आंसर देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इसका कंप्लीट आंसर। अभी देखो अगले पेज पे आपको यहां पे और भी मार्जिन क्वेश्चन दिए गए क्या, यहां पर प्रेंस्ड, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो देखो यहां पे जो आपको लिखना है आंसर वो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, तो 1 2 3 4, तो यहां पर जो आपको लिखना है वो ये रहेगा। अभी देखो यहां पे आगे आपको क्या है, अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स एक्सप्लेन इट, और गेस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट विकेड, तो देखो ये दोनों का आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है चलो अभी अगले पेज पे चलते हैं। अभी देखो यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको बोल रहे हैं आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, तो देखो इसमें जो आपको लिखना रहेगा वो ये रहेगा, ये फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है। ठीक है चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, यहां पर लिस्ट द थिंग्स दैट जो नोटिसेस इन द पोर्ट्रेट, तो इसका देखो जो कंप्लीट आंसर रहेगा वो ये है। अभी देखो आगे आपको क्या है, देखो अगले पेज पे क्या दिया गया है, फाइंड आउट द रीजन फॉर जोज डिसमे, तो देखो इसका आंसर ये रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन स्पाइट ऑफ जोज एप्रिहेंशंस ग्रैंडपा इज, तो देखो 1 2 3, इसमें आपको ये आंसर लिखना है। अभी देखो आपको आगे क्या है, डिस्कस व्हाट जो मीन्ट बाय दिस, ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर सीम्स अ लिटिल लोनली, तो देखो इसमें जो आपको लिखना है आंसर वो ये रहेगा। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे देखो आपको मार्जिन क्वेश्चन हाँ है क्या है, देखो आपको स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ड अफेयर इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपको, गेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट गो ऑन बीइंग नेबरली, तो इसका कंप्लीट आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको अब हम आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ, जो आपको मेन जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज का, पहला क्या है देखो, जो डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी अ गुड वन, elaborate, you may begin with Joe was a bold, friendly and warm person,
तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट बीइंग नेबरली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो ए बी सी डी, तो देखो ये सब का आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस तरीके से लिखना है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ओके अभी थर्ड में देखो क्या है, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू हाउसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें देखो आपको हाउस ऑफ मार्च, हाउस ऑफ फ्लोरेंस, तो इसमें देखो जो आपको लिखना है, जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो ये लिखना रहेगा, ये कंप्लीट आंसर है इसका। ए टू में क्या है, द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स यू मीट इन द एक्सट्रैक्ट आर जम्बल्ड, सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो यहाँ पे जो लॉरी ग्रैंडपा, तो यहाँ पे जो आपको लिखना है ये कॉलम में वो ये रहेगा, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। अभी तो आगे आपको क्या है, यहां पर आपको A3 1 क्या दिया गया, फर्स्ट राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द वे लॉरी कंफर्म द नेम्स ऑफ द मार्च सिस्टर। तो इसका जो कंप्लीट आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है। सेकंड में क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन ग्रैंडपा एंड जो, तो इसका आंसर ये रहेगा। ओके अभी देखो आगे आपको क्या है, फाइंड प्रोवर्ब्स मैक्सिम्स एंड इडियम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें देखो जो प्रोवर्ब्स आपको मैक्सिम्स इडियम्स जो लिखने हैं रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, तो देखो ये रहेंगे कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके अभी चलो आगे देखते हैं क्या है, द एक्सट्रैक्ट डील्स विद एटमोसफेयर ऑफ टू होम्स, कलेक्ट द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ होम लाइब्रेरी गार्डन। तो इसका आंसर जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, ऐसे आपको लिखना है। अब देखो आगे आपको क्या है, A5 में क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पे आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, देखो ए बी सी एंड डी, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे करोगे आप, इस तरीके से करोगे। ओके अभी देखो आपको आगे क्या है, A6 का फर्स्ट क्या है, नरेट इन 100 वर्ड्स एंड इंसिडेंट दैट इलस्ट्रेट द वे ऑफ अ फ्रेंड ऑफ योर्स मेड यू फील हैप्पी एंड एक्सेप्टेड एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। अभी देखो आपको आगे क्या है, सेकंड में क्या दिया गया, गिव रीजंस फॉर अस बीइंग रिलक्टेंट टू मेक फ्रेंड्स विद सम स्ट्रेंजर्स बट बीइंग कंफर्टेबल विद सम इवन आफ्टर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। अभी देखो आगे क्या है आपको, थर्ड में, आर फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम नेबर्स, आर यू फ्रेंड विद योर नेबर्स, गिव एग्जाम्पल एंड राइट। तो देखो इसमें आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है चलो अभी आगे देखते हैं, फोर्थ में क्या है, मेक अ नोट इन योर एक्सरसाइज बुक अबाउट हाउ पीपल अम्यूज देमसेल्व्स इन अर्लियर टाइम्स विदाउट टीवी इंटरनेट और सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं,
अब क्या देखो आपको इसमें, यूज योर इमेजिनेशन एंड एक्सटेंड द स्टोरी इन अबाउट 100 to 150 words. तो इसमें आप लिखोगे कैसे, इस तरीके से लिखोगे, ऐसे आप एक्सटेंड करोगे अपनी इमेजिनेशन का यूज करके. अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो. ओके अभी देखो लास्ट जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपको प्रोजेक्ट करना है. ठीक है क्या, इफ यू आर सोशल लाइक टू मीट न्यू पीपल कैन एम्पैथाइज एंड कनेक्ट विथ पीपल इजिली, मेक अ लिस्ट ऑफ द करियर्स अवेलेबल टू यू एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट देम, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और HRD. क्या बोले, अगर आप सोशल हो, लोगों से मिलना जुलना आपको बहुत पसंद है, आप लोगों से जल्दी से कनेक्ट हो सकते हो, लोग से दोस्ती आपकी जल्दी हो जाती है, तो आपका करियर क्या है इन फ्यूचर वो आपको यहाँ पर लिखना है करियर ऑप्शन. जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो ऐसे आपको लिखना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको खुद से करना है. ओके आप ये कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा 1.2, जिसका नाम है ऑन टू द सुमित वी रीच द टॉप. ये हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.